हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। तो मिक्स वेजिटेबल, आजकल सर्दियां चल रही हैं तो बहुत सारी वेजिटेबल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो इनके लिए बनाने के लिए हमें जिन सब्जियों की आवश्यकता होगी मैं उनके लिए आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले मेथी को काट लिया है और ये गाजर को मैंने धो के काट लिया है, और एक बड़ा आलू लेके मैंने उसको काट लिया है, और एक छोटा पत्ता गोभी लेके उसको काट लिया है। तो 200 ग्राम पत्ता गोभी है, 200 ग्राम गाजर है, और 200 ग्राम ही ये मेथी है, और इसमें 100 ग्राम का आलू है। तो इन सब सब्जियों के लिए हम आपको बनाने की विधि बताएंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आइए हम इनकी विधि आपको बताते हैं। तो हमने एक कढ़ाई रख ली है गैस पे, और उसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल लिया है, और अब मैं इसमें आधा टीस्पून मेथी दाना, एक टीस्पून जीरा पाउडर, और उसके बाद मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज को डाला है। इसको हम गुलाबी होने तक भूनेंगे, और ये देखिए भुन गई है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च को डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर डाल के एक बार अच्छे से चला देना है। अब इसमें मेथी डालेंगे। ये मेथी को डाल दिया है। मेथी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और जोड़ों के दर्द में भी इसमें इसे खाने से बहुत लाभ मिलता है। और हमने जो अब एक आलू काटा था उसको डाल देंगे और सब मिक्स कर देंगे, और लास्ट में हम इसमें कटा हुआ पत्ता गोभी उसको भी डाल देंगे, और मिक्स करके अच्छे से सबको चला देंगे। ये कलछी की सहायता से सबको अच्छे से मिला देंगे। तो सबको अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालना है। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है, और अब नमक डाल के भी हमको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर देना है। कलछी से चलाते हुए सबको मिक्स कर देना है। और लास्ट में इसमें लगभग आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी इसमें डाल दिया है, और अब इसको चला के और इसको हम ढक देंगे, और ढककर हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। और देखिए, ये 5 मिनट हो गए हैं, तो बीच में एक बार हमको चला देना है, जिससे सब्जी हमारी कढ़ाई में लगे ना, और पानी कितना है और बॉयल कितना हुई है इसका भी आइडिया हमको लगता रहता है। तो इसमें इसको बीच में 2-3 बार चलाते हुए पकाना है। देखिए इस तरह से एक बार इसमें, अब यहाँ पर इसमें स्प्रिंग अनियन डालना है। ये जो स्प्रिंग अनियन होती है, हमारी हरी प्याज भी बोलते हैं इसको, इसको काट के और डाल दिया है। अब इसको फिर ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। इसमें मैंने गाजर डाली है। गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें विटामिन ए होता है। इसका जूस भी निकाल के आपको पीना है, पीने पे काफी लाभदायक होता है। अगर हम इसका जूस पीते हैं खाली पेट, तो ये हमारी आंखों को बहुत लाभदायक होता है। तो ये गाजर के जूस की रेसिपी भी मैं अभी डालूंगी अपने चैनल पे, देखिएगा बाद में आप लोग। फिलहाल तो मैंने इस सब्जी में इसको डाला है।
और पत्ता गोभी में भी विटामिन ए होता है और मेथी तो डायबिटीज के लिए बहुत ही रामबाण है। तो इस तरह से इस सब्जी को बना के आप लोग खाएंगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो इसको बीच में से चलाते हुए बार बार हमें थोड़ी थोड़ी देर में चला देना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये हमारी सब्जी जलने का खतरा होता है। इसलिए हम इसको बार बार उठा के और हर 2 मिनट पे चला देंगे। इस सब्जी को बनने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए पानी सूखने लगा है और सब्जी हमारी बनके तैयार होने लगी है। तो इस समय हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये यहाँ पे मैंने किचन किंग डाला है, अगर आपके पास किचन किंग नहीं है तो आप आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। और इसको अच्छे से चला दें। देखिए यहाँ पर हमारी ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके। तो इसको चलाते हुए हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करके हम एक बड़े बाउल में इस सब्जी को सर्व कर लेंगे। कढ़ाई से निकाल के एक बड़े बाउल में हमने इस सब्जी को परस लिया है और अब इसको ढक के रख दिया है। तो ये सब्जी हमारी खाने को तैयार है। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।